एक जीव कहता है श्याम सुंदर से कि मैंने यह तो बार बार माना कि तू भी मेरा है, किंतु यह एक बार भी नहीं माना कि तू ही मेरा है। सदा भी लगाया, ही नहीं लगाया, ही। भावार्थ ये कि हमारे मन का प्यार संसार में भी है और गुरु और भगवान में भी है। ऐसा तो अनंत जन्म में हमने किया। केवल भगवान से ही प्यार हो, केवल महापुरुष से ही प्यार हो, ऐसा कभी नहीं किया, ही नहीं लगाया। और भगवान की शर्त है कि ही लगाओ, उसी को अनन्य कहते हैं। अनन्य अर्थात अन्य नहीं, केवल हरि गुरु में ही मन का अटैचमेंट हो और कहीं ना हो, अन्य नहीं, अनन्य। देखो सारी गीता में क्या धरा है, केवल एक बात लिखी है। इतनी लंबी पुस्तक है गीता, 700 श्लोक। अर्जुन ने भी लगाया, मैं आपके भी शरण में हूं। भी कैसे लगाया? इसलिए कि उसने कहा, महाराज देखो इन सबको मैं मारूंगा तो इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, वो कैरेक्टरलेस हो जाएंगी, संतान पैदा होगी वर्ण संकर, पाप होगा। मैं ऐसा नरक का काम नहीं करता, मैं राज्य नहीं चाहता। भगवान ने लालच दिया, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, जित्वा वा भोक्षसे महीम। मर जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, जीत जाएगा तो पृथ्वी मिलेगी, दोनों हाथ लड्डू है। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं आपके शरण में हूं। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्, मैं प्रपन्न हूं। भगवान ने कहा, ये प्रपत्ति नहीं है, तू तो अपनी बुद्धि लगा रहा है, यानी धर्म की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है। तो केवल मेरी शरण में आ जा, इस बात को कहने के लिए 18 अध्याय का लेक्चर दिया और आखिर में कह दिया, धर्मान परित्यज्य। तू धर्म की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है, तो सब धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम ब्रज, केवल एक मेरी शरण में आ जा और सब धर्म छोड़ दे। अधर्म होगा, पाप होगा, लेक्चर दे रहा है हमको कि इन सबको मैं मारूंगा कौरवों को, तो ये पाप होगा, अधर्म होगा, और तू धर्म करना चाहता है तो धर्म वर्म छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा बस। तो महाराज अगर मैं धर्म छोड़ दूंगा तो पाप नहीं लगेगा ना? क्यों, कैसे नहीं लगेगा, वेद कह रहा है आपका। अरे पाप तब लगता है गधे, जब मेरी शरण में कोई ना आवे। धर्म को छोड़ देने से पाप उसको लगता है जो मेरी शरण में ना आवे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तमाम प्रकार के धर्म बताए हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में। मां की भक्ति करो, पिता की भक्ति करो, पति की भक्ति करो, ये सब कहा गया है शास्त्रों में। लेकिन ये उसके लिए कहा गया है जो भगवान की शरणागति को नहीं समझता, वो आवारा न हो जाए, समाज चले ठीक ठीक, इसके लिए कहा गया है,
धर्म का विषय, ये फिजिकल धर्म है, शारीरिक धर्म है, अपर धर्म है, आगंतुक धर्म है, माइक धर्म है, गुणात्मक धर्म है, ये सब इसके नाम है। ये नश्वर है। क्यों नश्वर है? इसलिए कि हम अपनी माँ की भक्ति करेंगे, हाँ, माँ हमारी सूकरी बनी मरने के बाद, सुअर बनी, हाँ, तो फिर हमको भी सुअर का बच्चा बनना पड़ेगा। इसका परिणाम तो गलत हो गया, इस धर्म से तो हमारी हानि हो गई। हम जिसकी भक्ति करेंगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी, ये फिलॉसफी है, अकाट्य। यांत देव व्रता देवान पितरीन जान्त पितृव्रता भूतान जान्त भूते ज्या मत भक्ता जान्त माम। भगवान कहते हैं देखो भाई अर्जुन, तुम देवताओं की भक्ति करोगे स्वर्गलोक जाओगे, मनुष्यों की भक्ति करोगे मृत्युलोक में आओगे, अब तामसी लोगों की भक्ति करोगे नरक जाओगे। जिसकी भक्ति करोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। एक हिरण के बच्चे से प्यार किया जड़ भरत परमहंस ने, मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। जीवन मुक्त परमहंस, उनका यह हाल हो गया, साधारण जीव की कौन कहे। तो अनन्य का अर्थ है कि अन्य में मन का अटैचमेंट ना हो। तो धर्म का अटैचमेंट जो अर्जुन का था उसको मिटाने के लिए इतना लंबा लेक्चर, अब आखिर में कह दिया मामेकम शरणम ब्रज। तो पाप पाप से मत डर, अगर मेरी शरण में आएगा तो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ध्यान दो, कानून है, कानून एक जनरल होता है, किसी ने किसी का मर्डर किया तो फांसी होगी, एक कानून है, लेकिन उसमें सब सेक्शन होता है। लेकिन अगर कोई डिफेंस में मारता है, हमको उसने छुरा मारा, हमने उसको घूंसा मार दिया पेट में, वो मर गया, तो हमको फांसी नहीं होगी। अरे भाई उसने छुरा मारा, हमने तो घूंसा ही मारा खाली, लेकिन वो गलत जगह लग गया तो मर गया, हमारी मंशा नहीं थी मार डालने की। तो उसी प्रकार ये सब सेक्शन है कानून में कि माँ बाप आदि की आज्ञा न मानना पाप है, लेकिन अगर कोई मेरी शरण में आ जाए तो फिर इनका त्याग करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, क्योंकि वो तो अन्य है। अन्य में कैसे मन का अटैचमेंट आप करेंगे? ये तो भी लग गया, संसारी माँ से भी प्यार है, और महाराज तुम्हें वो माता, फिर तुम्हें वो क्यों कहते हो, फिर कहो तुम अपनी माता, ऐसा बोलो। हाँ, अगर ही लगा रहे हो तो फिर इसका मतलब संसारी माँ से मन को हटाना पड़ेगा। फिर वो जो कहता है मातृदेवो भव वेद, वो कट गया। यानी पर धर्म की शरण में जाने पर अपर धर्म कट जाता है, आध्यात्मिक धर्म की शरण में जाने पर फिजिकल धर्म कट जाता है, स्वाभाविक धर्म की शरण जाने पर आगंतुक धर्म कट जाता है। ये वर्ण आश्रम का धर्म आगंतुक है, टेम्परेरी है, बदलता रहता है। ब्रह्मचारी से कहा है स्त्री की फोटो भी नहीं देखना, खबरदार। 25 साल तक ब्रह्मचारी को ऑर्डर दिया गुरु ने, स्त्री की फोटो भी मत देखो। अच्छा नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, 25 साल हो गए, ए इधर आओ, क्या है गुरु, एक लड़की से ब्याह कर लो। हेलो, आपने अभी तक तो हमको ये उपदेश दिया कि फोटो मत देखो, अब कहते हो ब्याह कर लो, मैं जो कहता हूं वो करो, बहस नहीं। ब्याह किया, बच्चे कच्चे हुए, तमाम नाटक खड़ा हो गया। फिर आए गुरुजी, 50 साल के हो गए, हाँ अब देखो तुम बच्चों को छोड़ दो। हैं, छोड़ दे, अरे इतने सारे बच्चे हमने पाले पोसे, उनमें अटैचमेंट हो गया है, यही तो कह रहा हूं छोड़ दे अटैचमेंट,
और मियां बीबी दोनों जाओ जंगल में बाणप्रस्थ आश्रम, खाली मियां बीवी और कोई बच्चा नहीं जाएगा, और लौट के आना भी नहीं घर में। वाह, फिर बदल दिया गुरुजी ने। फिर आए 75 साल की उम्र में, ऐ ये तुम्हारी कौन है? महाराज बीबी है। नहीं बीबी भी कोई नहीं होता, तुम तो आत्मा हो, छोड़ो इसको भी, तुम भी इसको छोड़ो, दोनों सन्यासी बन जाओ, अब दोनों कभी मिलना नहीं, एक दूसरे को देखना भी नहीं, सन्यासी हो गए। ये शरीर का पति है, शरीर की बीबी है, शरीर तो नश्वर है, और फिर ये कल को मर जाए तुम जिंदा हो, तुम मर जाओ वो जिंदा है, ये कौन सा साथ हुआ? ये सब खिलवाड़ है, छोड़ो तुम आत्मा हो, तुम्हारा आत्मा से परमात्मा से नाता है। इसलिए परिवर्तनशील धर्म है, बदलता हुआ। और जो भगवान की भक्ति है वह स्वाभाविक धर्म है, इसलिए वर्णाश्रम धर्म करते हुए भी हमारे लिए वेद कहता है कि मन का अटैचमेंट भगवान में करो और गृहस्थ का पालन फिजिकल करो, इसको कर्म योग कहते हैं। कर्म करो, मां बीमार है इलाज कराओ, गृहस्थ में हो करो सब काम, लेकिन मन का अटैचमेंट भगवान में रहे, संसार में नहीं रहे। मां बाप बेटा स्त्री पति से प्यार न करो, प्यार भगवान से करो, अब व्यवहार संसार से करो, ये गृहस्थ के लिए भी आदेश है। भागवत में लिखा है सर्वेशां मदुपासनम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ बाणप्रस्थ संन्यास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सर्वेशां, सबके लिए भगवान की भक्ति कंपलसरी। तो या तो सब कुछ वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भक्ति करो कर्मयोग, या केवल भक्ति करो कर्म संन्यास, लेकिन अनन्य बनना पड़ेगा दोनों दशाओं में। अनन्य माने ही लगाना पड़ेगा।